वो कैसे जीवन में आ सकता है, उतर सकता है। तो जब आप उसको जीवन में उतारते हैं तो जीवन में उतारने के लिए जैसे कि कितनी भी लंबी ऊंचाई पर चढ़ना हो, हिमालय के पर्वत की ऊंचाई पर, एवरेस्ट के शिखर पर, आपको जो शुरुआत करनी होगी वो शुरुआत कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो आसान हो। पहला कदम आपका 2 फीट का 1.5 फीट का ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी लंबी ऊंचाई चलनी है तो हम सोचें कि पहला कदम 10 फीट का रखेंगे, वो असंभव हो जाता है। तो ये मानदंड इस रूप में लेकर के चलना है और वो व्यक्ति का जो उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक फुल स्टॉप से शुरू हुआ करके दूसरे फुल स्टॉप पर बात खत्म हो जा रही है। ये जो जर्नी यात्रा है वो चल रही है, कब से हमको नहीं पता। अनाद कहने का मतलब यही है कि हमको ये नहीं मालूम कि कब शुरू हुई ये यात्रा, लेकिन ये हमको जरूर पता है कि ये कब खत्म होगी। खत्म कब होगी? जब खत्म होगी जब आप जान जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज है वो उसी तरह होना चाहिए कि यात्रा में हम चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। ये जो यात्रा की जो अवधारणा है और ये आत्मिक अनुशासन की बात इसी रूप में आती है कि हम उस यात्रा को करते हुए चलें और अंत करें एक क्रम में, और जहां पर अंत होता है जिसको कि हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त होना। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद हमारे लिए कुछ कर्तव्य नहीं बचता। कृष्ण के बारे में जो कहा जाता है ना, कृष्ण ने एक जगह पर कहा, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन। हे पार्थ, इस तीनों ही लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं है जिसका मतलब क्या हुआ? कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी क्यों होगी? जैसे किसी ने शादी कर लिया तब उसकी एक ड्यूटी हो जाती है। ड्यूटी हो जाती है, उसको कमाना पड़ेगा। उसके बच्चे हैं, उसको बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए कमाना पड़ेगा। तो अब हमारे लिए ये कर्तव्य हो जाता है कि हम करें। लेकिन अगर हम विवाह नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम इस कर्तव्य से तो मुक्त हो गए। हमको कमाने की जरूरत उस तरह से नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की स्वतंत्रता हम उपलब्ध करा दें? वहां पर परंपरा में एक ऋण की अवधारणा, जिस ऋण की अवधारणा के बारे में कहा जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इस तरह से कि जो हम जन्म लिया है व्यक्ति ने तो उसका एक ऋण है, पिता का ऋण है। पिता का ऋण केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने पैदा किया, बल्कि पिता का ऋण इसलिए भी है कि उन्होंने आपको पालन पोषण किया और इसलिए आपके ऊपर ऋण है। क्योंकि केवल ये ऋण की बात कहने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम एक व्यक्ति के प्रति ऋणी है। हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व बहुत सारे लोगों पर निर्भर है। हम उनके बिना रह नहीं सकते। सपोज करिए कि आज हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, मालवीय जी ने ये नहीं बनाया हम कैसे पढ़ाते या हम कैसे रहते, या किसी और ने कोई इस तरह का योगदान नहीं किया होता, विकास नहीं किया होता, तो हम कैसे ये कार्य करें? आज जितने सुख सुविधाओं में हम रह रहे हैं उसके पीछे क्या है? वजह यह है कि हमारे पहले के लोगों ने, आज हम गर्मी में शायद रह रहे होते, पंखा आया, किसी ने बनाया पहले तभी आया था, तो उनका हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं? हमको ये मानना पड़ेगा सभी का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से ऋण है। और ये जो ऋण है वो देव ऋण की बात की जाए, मनुष्य ऋण की बात भी सीधे बाद में आई, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, तो जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान किसी ने दिया, वो ज्ञान हमको देना है, हम उसको पास करते हुए जाना है। हमको अगर सुविधा प्राप्त हुई है हमको वो सुविधा दूसरे को उपलब्ध करानी है। दान हमने लिया
हुआ है तो हमको दूसरे को दान देना है। ऐसा नहीं है हमने दान दे दिया तो हम वापस ना करें दूसरे को। अगर हमने दूसरे को दान, क्योंकि हम दान जब ले रहे हैं तो उस दान से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ करें। तो ये वैयक्तिक नहीं है, मतलब एक एक होता है जिसको हम कहते हैं व्यापार। व्यापार ये होता है कि हमको जो मिला हमने वापस किया, और ये जो ऋण व्यवस्था की बात है वो व्यापार जैसा नहीं है, क्योंकि हम हमारे ऊपर जिसने एहसान किया है, जिसने हमको ऋण दिया है, हम उसको क्या ऋण चुका रहे हैं? हमको जिसने पढ़ाया हम उसको पढ़ा नहीं सकते, संभव है क्या? हमको जिसने पैदा किया हम उसको पैदा नहीं कर सकते। हमारा जिसने पालन पोषण किया हम उसका पालन पोषण भी उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम दूसरों के लिए उस तरह से करें। तो ये नैतिकता की बात इस रूप में पूरी की पूरी जुड़ती हुई आती है, और उसमें हमने एक परिप्रेक्ष्य को छुआ, न्याय का जो परिप्रेक्ष्य था। और ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, और हम चाहेंगे कुछ आप लोगों से चर्चाएं भी हों, क्योंकि बहुत बार चर्चा के बिना ही वक्तव्य हो जाता है। तो यहीं पर हम आपको अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।